जैसे आपको मालूम है, देश में बीजेपी और आरएसएस के लोग नफरत फैला रहे हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा रहे हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ा रहे हैं, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ा रहे हैं। यहाँ पास में मणिपुर है, मणिपुर में जो हुआ, जो हो रहा है के सामने है, ये बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा का नतीजा है। महीनों से मणिपुर जल रहा है और देश के प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए हैं। तो ऐसा ही माहौल पिछले साल था। आप जानते हो कि मीडिया इन चीजों की बात नहीं करती है, मीडिया बेरोजगारी की बात नहीं करती है, मीडिया महंगाई की बात नहीं करती है, जनता के जो मुद्दे हैं वो मीडिया में आते नहीं हैं। इसीलिए हमने सोचा क्यों नहीं हम एक भारत जोड़ो यात्रा शुरू करें। और पिछले साल हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल 4,000 किलोमीटर यात्रा चली। उसमें पूरे देश से लोग आए, अरुणाचल से भी लोग आए, नॉर्थ ईस्ट स्टेट लोग आए, मणिपुर से आए, आसाम से आए, और उन्होंने हमें एक बात बोली, कहा कि देखिए आप कन्याकुमारी से चल रहे हो, कश्मीर तक जा रहे हो, मगर आप नॉर्थ ईस्ट में नहीं आओगे, बाकी प्रदेशों में नहीं आओगे, तो ये ठीक नहीं होगा। और हमने ये बात एक्सेप्ट की, इसीलिए हमने दूसरी भारत जोड़ो यात्रा मणिपुर से शुरू की, मतलब नॉर्थ ईस्ट से शुरू की, क्योंकि हम मैसेज देना चाहते हैं देश को कि नॉर्थ ईस्ट बाकी सब प्रदेशों जितना जरूरी है और ये किसी से कम जरूरी नहीं है। तो इसलिए हमने ये यात्रा मणिपुर से शुरू की। उसके बाद असम गए, असम के बाद सॉरी मणिपुर के बाद नागालैंड, नागालैंड के बाद असम, और अब हम अरुणाचल में आ रहे हैं। यात्रा का लक्ष्य आपको बताने का नहीं है। हम 6-7 घंटे यात्रा करते हैं और शाम को हम 15-20 मिनट अपना भाषण देते हैं। हम आपकी आवाज सुनना चाहते हैं, आपके दिल में जो है वो समझना चाहते हैं, आपके मुद्दे उठाना चाहते हैं। जैसे अभी मेरे पास बस में 4 अरुणाचल के युवा आए, उन्होंने मुझे कहा कि देखिए हम 5 साल हमने काम किया, सेना में हमारी भर्ती हो गई, और 5 साल काम करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद, रनिंग करने के बाद, जब हमारी भर्ती हो गई, सरकार ने 1,50,000 युवाओं को सेना से निकाल दिया। जो एक्सेप्ट कर लिया था उनको रिजेक्ट कर लिया। तो अब उन्होंने हमें बताया है हमें इस मुद्दे पर हम काम कर सकते हैं। तो आपके जो भी मुद्दे हैं उनके बारे में आप हमें बताइए। अरुणाचल के हैं, यहाँ पे चाइना बॉर्डर पे आपकी इश्यूज हैं, अलग अलग मुद्दे हैं, हम आपके मुद्दे समझने के लिए, सुनने के लिए और उनको उठाने के लिए इस यात्रा में चले हैं। जहां भी हम जा रहे हैं, जैसे यहां हुआ, आप प्यार से इतनी एनर्जी से हमारे को रिसीव कर रहे हो, प्यार से मिल रहे हो, हमारी मदद कर रहे हो, अपनी एनर्जी अपनी ऊर्जा इस यात्रा में डाल रहे हो, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में बहुत सारे प्रदेश हैं, छोटे प्रदेश हैं, बड़े प्रदेश हैं, मगर मेरे लिए सारे के सारे प्रदेश एक जैसे हैं। जो आपकी भाषा है, बीजेपी की विचारधारा है कि हिंदुस्तान को दिल्ली से चलाया जाना चाहिए, हिंदी भाषा पूरी देश में फैलनी चाहिए, सब हिंदुस्तानियों को हिंदी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। हमारी विचारधारा है कि हिंदी की जगह है मगर आपकी भाषा की भी जगह है, हिंदुस्तान की हिस्ट्री की जगह है मगर अरुणाचल के इतिहास की, हिस्ट्री की, कल्चर की भी जगह है, और आपको स्टेट, आपका जो स्टेट है यहीं से चलना चाहिए, ना कि दिल्ली से। तो ये चाहते हैं कि जो आपकी जो हिस्ट्री है, आपकी जो भाषा है, आपके जीने का तरीका है, ये यात्रा उसकी रक्षा करने आई है, उसको बढ़ावा देने के लिए आई है
और उसकी रक्षा देने के लिए आई है।